हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड क्यूचर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं डबल चॉकलेट चिप्स मफिन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये सबका फेवरेट रहता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम कुकिंग चॉकलेट लिया है, तो इसे मैं छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। चॉकलेट हमारी कट हो चुकी है, इसे बोल में निकाल देते हैं। सबसे पहले मैं एक बोल ले लेती हूँ और इसमें मैं ले रही हूँ कंडेंस मिल्क। यहाँ पे मैंने हाफ कप कंडेंस मिल्क लिया है और आपको खास ध्यान रखना है, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 130 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया है। अगर कप के हिसाब से लेते हैं तो आधा कप मेरा होता है। इसी के साथ मैं वेनिला एक्सट्रैक्ट ले रही हूँ 1 टीस्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज एसेंस भी चलेगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर वाला बटर। अब हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। अगर आपके पास मैनुअल वाला हैंड विश हो तो इससे भी मिक्स कर सकते हैं। अगर हैंड विश से कर रहे हैं, इस टाइप का आता है, तो काफ़ी सारा टाइम जाएगा, एकदम स्मूथ टेक्सचर आए, एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर आए, तब तक आपको इसे बीट करना है। पर इलेक्ट्रिक बीटर से जल्दी से हो जाता है, तो पहले स्लो स्पीड पर इसे बीट करूँगी और इसके बाद मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी। आप देख सकते हैं एकदम लाइट और फ्लफी हो गया है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं मैदा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 छन्नी और इसके ऊपर मैदा डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3/4 कप मैदा लिया हुआ है। अगर ग्राम के हिसाब से लेते हैं तो 100 ग्राम मैदा होता है और मेरा जो मेजरिंग कप है वो 250 ml का है, तो इसमें मैंने 3/4 कप मैदा लिया हुआ है। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसी के साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून डार्क कोको पाउडर। अब इसे अच्छे से छान लेते हैं। छानने से क्या होगा, बैटर में अच्छा सा एक एरेशन आएगा और बैटर हमारा एकदम स्मूथ बनेगा। तो इसे मैंने छान लिया है। अब इसे हल्का सा बीट करेंगे। पहले इस तरह से अच्छे से हम बंद करके ही अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम बीटर ऑन करेंगे। जस्ट हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं दूध डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं दूध 1/2 कप ले रही हूँ और फाइनल कितना जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप एकदम रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लिया है और इसे स्लो स्पीड पर मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं, वो खास ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी है। बैटर बनाते समय आपको खास ध्यान रखना है, ओवर बीट नहीं करना है। अगर ज़्यादा बीट करोगे तो कर्डल भी कभी कभी हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी है, एकदम फ्लफी, तो इस टाइप का ही हमें बैटर चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, हमने जो चॉकलेट को कट किया था छोटे टुकड़ों में वो डाल देते हैं। ये डालने के बाद इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्का सा मिक्स करना है, इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना है। चॉकलेट का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 100 ग्राम में से मैंने इतना बचा के रखा हुआ है, एटलीस्ट 25 ग्राम होगा, तो इसमें मैंने 75 ग्राम जितना यूज़ किया है। बैटर हमारा रेडी है, कप में भर देते हैं। यहाँ पे मैंने मफिन के लाइनर्स लिए हैं, तो इसमें मैं बैटर भर देती हूँ।
और बैटर 3/4 भरना है। अब देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ड्रॉपिंग है। ये जो मफिन है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बैटर बनाते समय मैंने यहाँ पे दूध यूज़ किया था, अगर आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही सारे कप रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम का स्कूपर लिया है, तो ये बहुत इजी पड़ता है। अगर आपके पास आइसक्रीम का स्कूपर है तो आइसक्रीम के स्कूपर से ही बैटर भरें, अगर नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। तो सारा बैटर हमने कप में भर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से चॉकलेट चिप्स रख देते हैं। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट चिप्स यूज़ की है, अगर आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं, या डबल शेडेड वाली जो चॉकलेट चिप्स आती हैं वो भी ले सकते हैं। अभी इतने बैटर में से टोटल 11 मफिन हमारे रेडी होते हैं, और कप की साइज़ मेरी जो है वो मीडियम साइज़ की है, तो इसमें से 11 मफिन रेडी हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे जस्ट टैप करेंगे और इसके ऊपर रख देते हैं बेकिंग डिश के ऊपर। मफिन हमारे रेडी है, अब इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। मैंने पहले से ही ओवन को 160 डिग्री पर 10 मिनट प्रीहीट कर लिया था, और अब इसे मैं बेक करने के लिए रख देती हूँ। इसे मैं 160 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देती हूँ, और ओवन में आपको ऊपर और नीचे दोनों जो ग्रिल है वो चालू रखना है। अगर आपके ओवन में फ़ैन का ऑप्शन है तो आपको फ़ैन भी ऑन करके रखना है। आप देख सकते हैं मफिन हमारे बेक होके रेडी है, टोटल 15 मिनट में बेक हुआ है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। डबल चॉकलेट चिप्स मफिन हमारे रेडी है, देख के ही खाने को मन करे ऐसे रेडी हुए हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।